अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा दसवीं की संचयन और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ राही मासूम रजा की कहानी टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला भी बहुत ही सरस कहानी है। इसमें क्या है, प्रस्तुत कथाकार में जो है ये जो कहानी है मासूम रजा, जैसे मैंने आपको बताया राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। जो टोपी है बच्चा, दो बच्चे हैं, एक टोपी है और दूसरा जो है हमारा ये इफ्फन। तो इफ्फन और टोपी आप जान लीजिए दो दोस्त हैं, ठीक है। तो इफ्फन एक मुस्लिम परिवार से जो है संबंध रखता है और जो हमारा टोपी है वो एक हिंदू परिवार से। क्योंकि मैंने ये बात खास तौर पे इसलिए बताई क्योंकि ये पुराने समय की बात हो रही है। तो अच्छे संबंध होते हुए भी तो जो टोपी है ना उसके घर में जो उसकी दादियां बड़े पुराने ख्यालात की हैं और जो इफ्फन है उसकी दादी नए ख्यालात की हैं। तो ये दोनों में बहुत ही एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट रहता है और कहानी में बड़ा अच्छा मजा देता है। तो टोपी के पिता एक जाने माने डॉक्टर हैं, उनका भरा पूरा परिवार है, घर में किसी भी चीज का उनको अभाव नहीं था। बचपन में जब टोपी शुक्ला चौथे दर्जे की पढ़ाई कर रहा था यानी फोर्थ क्लास में था तो उसकी मुलाकात इफ्फन से हुई। टोपी की यह पहली दोस्ती थी, दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई। टोपी अक्सर इफ्फन के घर चला जाता था और वो इफ्फन की दादी के पास बैठकर उनसे कहानियां सुनता था। इफ्फन के परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी व छोटी बहनें थी। उसके दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी हुआ करते थे। इफ्फन के अब्बू जो हैं वो कलेक्टर थे, अब्बू मतलब पिताजी। सारे परिवार में इफ्फन को सबसे अच्छी अपनी दादी लगती थी क्योंकि दादी जो है उसको लगता था कि दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और उनको कहानियां सुनाती थी और साथ ही में ना उसकी सोच भी बच्चों के जो बच्चों की शरारतें हैं सब है वो उनके साथ भी बहुत आराम से कोप कर लेती थी। तो इफ्फन की दादी पूरब की रहने वाली थी और ब्याह करके आने के बाद उन्हें अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। क्या था कि दादी एक जमींदार की बेटी थी, खूब उसने अच्छा खाया पिया था मगर लखनऊ आकर वह इन सब चीजों के लिए तरस गई थी। उन्हें गाने बजाने का बड़ा शौक था। अब हुआ ये कि इधर शादी हो गई उनकी मौलवी से, जो मौलवी है मौलवी के घर में इन खाने पीने मतलब इस तरीके का गाना बजाना और इस बहुत सारी क्या थी बड़ी सारी उनके साथ पाबंदियां थी तो उनमें घर में इस सब चीजों की मनाही थी। दादी हमेशा पूर्वी भाषा बोलती थी, बोली बोलती थी। इफ्फन और टोपी दोनों को दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी। इसी बोली के कारण टोपी के घर में हंगामा हो गया। कैसे? टोपी शुक्ला का पूरा नाम क्या था? बलभद्र नारायण शुक्ला। उसके परिवार में भी उसकी दादी, माता पिता और दो भाई थे। पिता का व्यवसाय अच्छा था, हिंदू परिवार था। टोपी ने इफ्फन के घर से सीखा हुआ एक बार जाकर अम्मी शब्द, अम्मी से कह दिया अम्मी जरा ये देना डाइनिंग टेबल पे, बस जैसे उसने बोला घर में बहुत बड़ा तूफान आ गया, उसे बहुत डांटा गया। टोपी की दादी जो थी उनका नाम क्या था? सुभद्रा देवी। वो बड़ी कड़क मिजाज थी, इफ्फन की दादी जैसी नहीं थी वो, लेकिन वह टोपी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि अक्सर घर में टोपी को डांट पड़ा करती थी। बड़े भाई जो थे मुन्नी बाबू वो भी थोड़े विचित्र स्वभाव के थे। वो मुन्नी बाबू जो है टोपी की झूठी शिकायतें करते और उसे जब तक पिटवाते रहते। छोटा भाई बहरव या तो उसकी कॉपियां फाड़ देता या अपनी शरारतों में लगा रहता। तो ये परिवार की तरफ से जो टोपी है वो बहुत खुश नहीं है, इसलिए उसको इफ्फन के परिवार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है और इफ्फन की दादी से वो बहुत प्यार करता है। टोपी अपने सारे दुख इफ्फन के साथ बांटता था। दोनों दोस्त अक्सर अपना दुख सुख साझा कर लिया करते थे। टोपी को अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था, वह इफ्फन की दादी को बहुत चाहता था। जब इफ्फन की दादी का देहांत हुआ तो वो बहुत उदास हो गया, यहां तक उदास हो गया कि उसने इफ्फन से कहा तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो अच्छा रहता। उस दिन दोनों दोस्त खूब रोए। मतलब आप ये देखिए कि बच्चा जो बच्चों का मनोविज्ञान है वो कैसा है, उन्हें जीने मरने का ज्यादा नहीं पता लेकिन वो जिसको प्यार करते हैं वो सोचते हैं कि वो तो कभी भी ना जाए और जिसको प्यार नहीं करते उसका सीधा मरने की दुआ करने लगते हैं। क्यों? यही एक भोलापन है।
एक दिन इफन के पिता का तबादला हो गया, तबादला मतलब दूर जगह स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया। इफन के जाने के बाद टोपी शुक्ला इतना अकेला रहने लगा और हमेशा उदास रहने लगा। टोपी को इफन के घर जाने की इतनी आदत थी कि एक दिन वह उस सरकारी बंगले पर जा पहुंचा जहां दूसरे कलेक्टर का जो है एक परिवार आकर रहने लगा था। वहां तीन लड़कों में से एक लड़के ने कुत्ते से टोपी को कटवा दिया। टोपी को पेट में 7 सुइयां लगी। घर की बूढ़ी नौकरानी उसका दर्द समझती थी, इसलिए वह अक्सर टोपी को समझाती और उसे प्यार करने लगती। टोपी भी क्या करता, जो बूढ़ी नौकरानी थी उसके आंचल में जाकर वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाया करता। अब टोपी जो है 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। ये कैसी है, ये बड़ी त्रासद स्थिति टोपी के साथ हुई कि वो 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक बार घर के कामों की वजह से पढ़ नहीं पाया, दूसरी बार उसे बुखार हो गया था, तीसरे वर्ष 3rd डिवीजन में पास होने के पर घर के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। विद्यालय में भी उसका समय समय पर उदाहरण देकर लोग उसके दर्द को जो बढ़ाते रहते थे, अध्यापक उसके दर्द को बढ़ाते रहते थे। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है जब भी मैं इस पाठ को पढ़ाती हूँ कि वो जो बच्चा फेल हो गया है किस प्रकार के अध्यापक, पुराने समय में ऐसा होता ही था, रिश्तेदार भी ऐसे होते थे, पड़ोसी भी ऐसे होते थे, हर किसी को परमिशन थी कि वो यदि कोई बच्चा फेल हो गया या पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो उसको 4 गालियां सुना सके। तो ये पुराने समय का सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा दिलाने वाला विषय लगता है कि आपको ये कोई अधिकार नहीं होता, हर बच्चे की अपनी प्रतिभा होती है, किसी भी अध्यापक को ये हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो फेल होने वाले या कम अंक लाने वाले बच्चे को हर समय टीज करता रहे। हम अध्यापक हैं, हमारा ये कर्तव्य तो जरूर है कि हम सारे ही बच्चों को एक बहुत अच्छी जो है पोजीशन पे लेके आए, एक बहुत अच्छे अंक दिलाने में के लिए प्रयास करें, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हर बच्चे को ही अगर 97% नहीं आ रहे हैं तो हम उन बच्चों की हमेशा अवहेलना करते रहे, कक्षा में उनकी बेइज्जती करते रहे कि आप तो कभी कुछ जिंदगी में कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार के अध्यापक अध्यापक कहने लायक नहीं होते। तो ये बहुत दुख की बात है कि पुराने समय में इस तरीके के अध्यापक जो है कार्य किया करते थे और बच्चों को कितना दुख हो रहा है वो इस बात को कभी सोचते भी नहीं थे। अब जो टोपी है बेचारा परेशान रहता था। तीसरे वर्ष टोपी ने निश्चय किया था कि चाहे उसे बुखार हो या कोई परेशानी आए उसे पास होना ही है। अगले वर्ष फिर उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए, घर में फिर से पढ़ाई का वातावरण न रहा। उन्हें चुनाव में तो सफलता नहीं मिली पर टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक नहीं था, फिर भी उसने मेहनत की और किसी प्रकार से 3rd डिवीजन में पास हो गया। तो ये है हमारा टोपी शुक्ला की कहानी। ठीक है, तो आप जानते हो इफन जो है इसमें एक अक्सर पूछा जाता है टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है इफन। तो इफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, क्योंकि जो कथा नायक टोपी शुक्ला है उसकी पहली दोस्ती किससे हुई थी, इफन से हुई थी, और टोपी व इफन विपरीत धर्मों के होते हुए भी अटूट और अभिन्न मित्र थे। इफन के बिना टोपी शुक्ला की कहानी में अधूरापन तो बिल्कुल लगेगा, उसे समझा ही नहीं जा सकेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की घरेलू परंपराएं और परिस्थितियां अलग अलग होने पर भी दोनों की जो मित्रता है और दोनों की मित्रता से एक दूसरे को जो वो सीख सिखा रहे हैं वो भी बहुत अद्भुत है। ठीक है, तो एक तो हम आपको ये वाला प्रश्न आप अच्छे से कर जाइएगा और दूसरा मैं आपको एक और जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगी। सांप्रदायिक सद्भावना हेतु टोपी और इफन जैसी दोस्ती वर्तमान समय में भी होना आवश्यक है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो आप बताएंगे कि प्रस्तुत कहानी में दोनों बच्चों को आधार बनाया गया, एक हिंदू परिवार से है एक मुस्लिम परिवार से है और दोनों एक दूसरे के साथ सुख बांट रहे हैं, सुख दुख बांट रहे हैं। जो टोपी है वो इफन के घर भी जाता है, उसकी दादी से उसको बेहद लगाव है जबकि उसको अपनी दादी अच्छी नहीं लगती। बेचारे का एक बार अम्मी बोलने पर कितनी उसकी जमकर पिटाई भी होती है। तो यहाँ लेखक ने क्या प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं उनका आपसी प्रेम या आधार मजहब या बड़े परिवार के लोग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो
हिंदू मुसलमान है, हम बाद में है, यदि हमारे दिल मिलते हैं, यदि हमारा प्रेम संबंध मिलता है, यदि हमारी दोस्ती मिलती है, तो हमें मित्रता तो अवश्य करनी चाहिए दूसरे धर्मों के लोगों के साथ ही, जिससे हमें उनके बारे में अच्छी बातें पता चले और सांप्रदायिक भावना भी जो है उसको झगड़ों को समाप्त करने में भी हम लोग कामयाब रहे। तो ये प्रश्न भी आप कर जाइएगा। इसके साथ ही हम संचयन अब समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको एक कोर्स के साथ, ठीक है? अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।